स्टेंट ने किया स्टंट। बिस्बो की बात सुनो दिल से। आज अस्पतालों में ये नजारा काफी आम हो चुका है। आपके पिता के दिल की धमनियों में रुकावट है, हमें 2 स्टेंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर, वैसे खर्चा कितना आएगा? 1 स्टेंट का 1,50,000 रुपए। बाप रे, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? पर क्या ये स्टेंट वाकई इतने महंगे होते हैं? भारत में इस्तेमाल होने वाले करीब 5 लाख स्टेंट में से 3 लाख विदेश से हैं। ये स्टेंट 15,000 के हैं। आयातकर्ता इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। हर एक स्टेंट की कीमत 40,000 रुपए है। डिस्ट्रीब्यूटर हॉस्पिटल को, आपको हर एक स्टेंट का 75,000 देना होगा। और जो आखिर में मरीज को बेचा जाता है, हर एक का 1,50,000। ये तो सरासर लूट है। मई 2015, बीरेंद्र संगवान। स्टेंट के पैकेट में MRP यानी उसका भाव क्यों नहीं लिखी गई है? इसके लिए उन्होंने कोर्ट में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की। अस्पताल कुछ भी दाम लगा देते हैं, सरकार को स्टेंट के दाम निर्धारित करने चाहिए। अब NPPA के नए चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने भी आवाज उठाई। अब से बेयर मेटल या धातु वाले स्टेंट की कीमत 7,260 से ज्यादा नहीं वसूली जाएगी और ड्रग एलिटिंग स्टेंट 29,600 में बेचे जाएंगे। ये अस्पतालों द्वारा ली जा रही रकम से बहुत कम था, शायद इसीलिए। हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा, इनके दिल में कई धमनियां हैं। मगर डॉक्टर, हमारे पास स्टेंट नहीं है। अब एक बार फिर NPPA को आगे आना पड़ा। स्टेंट की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। और साथ ही मरीजों के लिए एक हेल्पलाइन जारी कर दी, 1-800-111-255। कुछ मेडिकल पेशेवरों का विचार कुछ ऐसा है। स्टेंट के दाम निर्धारित करने से पहले NPPA को विभिन्न स्टेंट के बारे में पूरी तरह से समझना चाहिए था। सबसे पहला है बेयर मेटल या धातु स्टेंट। जब दिल की धमनियां बंद हो जाती है, तब एक स्प्रिंग जैसी छोटी सी नली को उनमें डालकर उन्हें दोबारा खोला जाता है, जिससे खून की आपूर्ति हो सके। ये स्टेंट हमेशा शरीर का हिस्सा बन जाता है, जिसलिए जिंदगी भर दवाइयां भी लेनी पड़ती है। इनकी कीमत 7,260 निर्धारित की गई है। अगला स्टेंट है ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट, जो 2 महीनों तक लगातार खून की धमनियों में दवाइयां छोड़ता रहता है। ये थोड़ा पतला होता है, करीब 150 माइक्रोन, जिसका इस्तेमाल भी तब किया जाता है जब खून की धमनियों में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इनकी कीमत 29,600 निर्धारित है। और आज जो सबसे नए है वो है BVS या बायोडिग्रेडेबल स्टेंट, जो करीब 100 माइक्रोन पतले होते हैं। ये भी शरीर में अपनी दवा को छोड़ते रहते हैं और 2 से 3 सालों में शरीर में घुल मिल जाते हैं, जिसके बाद मरीज को दोबारा दवा नहीं लेनी पड़ती। आज स्टेंट के निर्माता और आयातक पैसे बचाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे कि स्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरों से ना होकर सीधा अस्पतालों में जाए। आज NPPA ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जैसे दूसरे घोटालों की भी धरपकड़ कर रही है, ताकि किसी और परिवार को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अब मैं स्टेंट खरीद सकता हूँ।